और उसके साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मैं ये बोलना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स ने या जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जितनी भी सारी वीडियोज़ मेरे चैनल के अंदर है सभी वीडियोस को देखें और उसे समझें और उसके बाद भी उसके मन के अंदर नंबर ऑफ़ डाउट्स एंड क्वेश्चन है सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिगार्डिंग तो वो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर और नहीं तो वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं तो अभी हम लोग जो दो पॉइंट मैंने अभी बोला वन इज द रेंसीफिकेशन्स क्या है और रेंसिडिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग जान लेंगे जो हाइड्रजिशन ऑफ ऑयल क्या है एंड मेनली जब ये एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाते हैं तो क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछते हैं जब ये क्वेश्चन रेंसिडिफिकेशनस के बारे में आते हैं तो यहाँ पर सिंपली एग्जाम हॉल में इसे एक्सप्लेनेशंस करने के लिए बोला जाते हैं नहीं तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जाते हैं और जब हाइड्रीजिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो उस जगह पे ऐसा क्वेश्चन बोला जाते हैं जो हाइड्रोजिनेशंस क्या है और कोई भी ऑयल एंड फैट को हाइड्रीजिनेशन क्यों किया जाते हैं और हाइड्रीजनेशंस प्रोसेस को हम लोग किस तरीके से करते हैं तो हम लोग अभी देख लेते हैं जो रेंसिडिफिकेशंस क्या है और उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं डीपली एंड एक एंड डीपली एंड ब्रीफली तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे जो का मतलब क्या है और रेंसिडिटी क्या है सो रेंसिडिटी इज द कॉम्प्लीट और इनकॉम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल वेन एक्सपोज टू एयर लाइट मॉइस्चर और बैक्टीरियल एक्शन रिजल्टिंग इन unpleasant test and order is considered as in rancidification. That means, if the question is asked in a exam hall, what do you mean by rancidifications?" Then students should write down the answer in that way. The rancidity is and rancidification is the process where the object, that means the fat and oil are going to be oxidized completely or incompletely or maybe the hydrolyze. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लाइट मॉइस्चर और बाय द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियल एक्शन एंड आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व एज एन अनप्लेसनमेंट टेस्ट एंड ऑर्डर दैन दैट प्रोसेस एंड दैट ऑक्टिविटी इज कॉल्स एज एन रेंसिडिटी एंड दिस प्रोसेस एंड दिस रिएक्शन इज कॉल एज दिस प्रोसेस इज कॉल एज एन रेंसिडिफिकेशन दैट मीन्स मैं यहाँ पर यह बोलना चाहता हूँ कोई भी फैट और कोई भी ऑयल को हम लोग ले लेते हैं और जब कोई भी फैट एंड ऑयल जिनाली लाइट एयर और मॉइस्चर और बैक्टीरियल की कंटेमिनेशन में आए और उस जगह पे फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हुए नहीं तो हाइड्रोलाइसिस हुए तो फैट एंड ऑयल के अंदर से हमें एक अनप्लेसनमेंट टेस्ट एंड ऑर्डर मिलते हैं एंड अनप्लेसेंट टेस्ट एंड ऑर्डर को हम लोग यहाँ पर रेंसिडिटी एंड रेंसिडिफिकेशन के नाम से जानते हैं दैट मीन्स जब भी कोई प्रोडक्ट दैट मीन्स द फैट एंड ऑयल से रेंसिडिफिकेशन होना शुरू हो गया दैट मीन्स फैट एंड ऑयल ऑलरेडी ऑक्सीडाइज होना शुरू हो चुका है और जब वो हरिलाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एयर मॉइस्चर बैक्टीरिया तो उस कंडीशन में हमारा फैट एंड ऑयल से स्मेल आना शुरू हो जाते हैं ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं और, और उसमें से एक उसका टेस्ट में भी चेंजेस आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं जो फैट अभी डिग्रेड होना शुरू हो रहा है एंड इस प्रोसेस को इस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो बिकॉल एज एन रेंसिडिफिकेशन सो वी कैन ऑल्सो से दैट द स्पेसिफिकली इट इज द हाइड्रोलाइसिस और ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन टू द शॉर्ट चेन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन Which is objectively in taste and order. सो so, इस जगह पे जब हम लोग रेंसिडिफिकेशन की पाथवे देखेंगे तो मेनली हम लोग इसको नंबर ऑफ वे पे इसे डिवाइड कर सकते हैं जैसे जब हम लोग रेंसिटिफिकेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो रेंसिटिफिकेशन पहले हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस में से हो सकता है तभी क्वेश्चन ये आ रहा है जब रेंसिटिफिकेशन हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस में होंगे तो कैसे होंगे और हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस क्या है फॉर रेंसिटिफिकेशन के लिए तो हम लोग इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं द हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी रेफर टू द ऑर्डर दैट डेवलप वेन triglyceride are hydrolyzed and fatty acid are released in that process is बैक्टीरिया दे आर यूज देर इंजाइम सच एज लाइपेस एंड ब्रेक डाउन द फैट

कोई भी फैट एंड ऑयल की तो इसमें रेंसिडिकेशन नंबर ऑफ पाथवे से हो सकते हैं एक हम लोगों ने देखा हाइड्रोडाइटिक पाथवे से हो सकते हैं और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया माइक्रोबियल पाथवे से भी रेंसिडिफिकेशन हो सकते हैं तो इस जगह पर हम लोगों ने देखा पहला वर्ड रेंसिडिटी क्या है उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किए रेंसिडिफिकेशन क्या है और जब रेंसिडिफिकेशन और रेंसिडिटी जब भी कोई फैट एंड ऑयल की होंगे तब तो उस जगह पे नंबर ऑफ पाथवे से हो सकते हैं तो हम लोगों ने एक पाथवे देखा हाइड्रोलाइटिक पाथवे एंड दूसरे पाथवे हम लोग देखा माइक्रोबियल पाथवे एंड तीसरा जो पाथवे हम लोग अभी बोलेंगे और डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे जिसे हम लोग ऑक्सीडेटिव पाथवे बोलते हैं तो अभी क्वेश्चन ही आ रहा है ऑक्सीडेटिव पाथवे किसे बोलेंगे सो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इज एसोसिएटेड विथ द डिग्रेडेशन बाय ऑक्सीजन इन द एयर द डबल बॉन्ड ऑफ द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कैन बी क्लेव बाय द फ्री रेडिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द मॉलिकुलर ऑक्सीजन सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन सो इस जगह पे हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिए जो जब भी कोई फैट एंड ऑयल के रेंसिडिफिकेशन होंगे तो वो मेनली हाइड्रोलॉजिक पात वैसे हो सकते हैं दूसरा जो मैंने बोला माइक्रोवेल पात वैसे हो सकते हैं एंड तीसरा जो हम लोगों ने अब ऑब्जर्व अब किए वो ऑक्सीडेटिव पात वैसे भी हो सकते हैं लेकिन अभी क्वेश्चन ये ऐसा आ रहा है जब यहाँ पर रेंसिडिफिकेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में डेफिनेटली हम लोग उसे रेंसिडिटी को रोक भी सकते हैं उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं तो हम लोग उस रेंसिडिटी को किस तरीके से ब्लॉक करेंगे सो so, उस जगह पे नंबर ऑफ नेचुरल ऑक्सीडेंट अवेलेबल है जो नेचुरल ऑक्सीडेंट इस रेंसिडिफिकेशन को ब्लॉक कर देते हैं और रेसिडेंसिडिफिकेशन को होने नहीं देते तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कौन से कौन से ऐसा नेचुरल ऑक्सीडेंट अवेलेबल है जो इस रेंफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग एक देख सकते हैं एस्क्रबिक एसिड जिसको विटामिन सी के नाम से जाना जाता है दूसरा हम लोग यहां पर देख रहे हैं टोकोफेरॉल जिसे विटामिन ई e के साइंटिफिक नेम है तो यहां पर हम लोग दो एग्जाम्पल ऑब्जर्व किएबिक एसिड और दूसरा हम लोगों ने ऑब्जर्व किए टोकोफेरॉल जिसको विटामिन ए की जिसका साइंटिफिक नेम है जो एज एन नेचुरल एंटी के हिसाब से काम करते हैं और ये नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट को फैट के डेंसिटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं सो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है सिर्फ क्या नेचर में और सिर्फ क्या हमारे पास नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट ही अवेलेबल हो रेसिडिटी को ब्लॉक कर सकते हैं तो आंसर ये है जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट छोड़ के भी हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट भी अवेलेबल है जो रेंसिडिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं उसके अंदर एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दैट इज कॉल एज एन बी एच ए जिसे हम लोग हाइड्रोक्सी एनिसॉल के नाम से जानते हैं और दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं जिसे हम लोग यहाँ पर बी एच टी के नाम से जानते हैं जिसे सिंपली ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सीटोलोइन के नाम से जाना जाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जब भी कोई फैट एंड ऑयल के रेंसिडिफिकेशन होते हैं तो उस जगह पर उस रेंसीफिकेशन को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं रोक सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेचुरली और बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिकली जब हम लोग यहाँ पर उसे ब्लॉक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ नेचुरली तो उस उसको हम लोग यहां पर नेचुरल एंटी के हिसाब से मानते हैं और एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर देखा एसिड एसकोरबिकसिड दूसरे एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर विटामिन देखा एंड दूसरी जगह पर हम लोगों ने यह भी ऑब्जर्व किए जब भी हम लोग यहां पर को ब्लॉक करना चाहेंगे बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिक तो उस कंडीशन में हम लोग उसको हम एज एन सिंथेटिक एंटी के नाम से जानेंगे और सिंथेटिक एंटी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर दो एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑब्जर्व किए एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा यहां पर बी और दूसरे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा बी तो इस जगह से हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया जब भी कोई फैट एंड ऑयल की रेंसिटी होंगे तो उस रेंफिकेशन को हम लोग रोक सकते हैं ब्लॉक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेचुरली और सिंथेटिकली तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं और जान लेते हैं जो हाइड्रीजनेशन ऑफ ऑयल क्या है और मैंने अभी बोला और टॉपिक डिस्कस करने से पहले ही मैंने बोला जो हाइड्रजिनेशन ऑफ ऑयल के ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में पूछा जाते हैं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये क्वेश्चन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है और वो क्वेश्चन कोई भी यूनिवर्सिटी हो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मेरे एडवाइस अब स्टूडेंट्स के लिए है आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो और बहुत ही अच्छी तरीके से जब क्वेश्चन को पूछा जाएंगे एग्जाम हॉल में तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसे प्रेजेंट करने की कोशिश करो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाते

which means that they are liquid at the room temperature so we can also say the hydrogenation process make the fatty acid straight either by making them fully saturated or altering them

जिस कंडीशन में हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करेंगे और जब हम लोग ऑयल के हाइड्रोजनेशन प्रोसेस किया जाएंगे तो उस कंडीशन में दिस लिमिट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिंग फोर्स एंड मेक देयर मेल्टिंग पॉइंट लोअर एंड व्हिच मींस दैट दे आर लिक्विड एट द रूम टेंपरेचर सो वी कैन आल्सो रिमेंबर दैट हाइड्रोजनेशन प्रोसेस मेक द फैटी एसिड इन स्ट्रैट आइदर बाय मेकिंग देम फुल्ली सैचुरेटेड और अल्टरनेटिंग देम टू द ट्रांस ट्रांसफैटी एसिड सो हाइड्रोजीनिशंस का मतलब हम लोगों ने यहाँ पर देखा और इसके साथ ही साथ हम लोग और भी जान लेते हैं हाइड्रोजीनिशंस के बारे में और भी डिस्क्रिप्टिवली सो वी कैन ऑल्सो से द हाइड्रोजीनिशन कन्वर्ट ऑनली द पार्ट ऑफ ए ग्लिसराइड ऑफ द अनसेचुएटेड एसिड टू द सैचुएटेड एसिड राइट एंड डिफाइन टाइप ऑफ इन्वॉल्विंग द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेजिटेबल ऑयल एंड घी तो इसका मतलब ये हो रहा है हाइड्रीजनेशन प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस हुई जिस प्रोसेस में हम लोग क्या देखेंगे इस जगह पे हम लोग ये देखेंगे ओनली द पार्ट ऑफ ट कर देंगे और जब ये होंगे उस कन्शंस में हम लोग नंबर ऑफ स्टोप को देखेंगे और उस स्टेप के माध्यम से हम लोग जान लेंगे किस तरीके से कोई भी ऑयल एंड फैट को हम लोग हाइड्रजिनेशन कर सकते हैं

रिएक्ट किया जाएंगे हाइड्रोजेंस के प्रेजेंस में और जब वो रिएक्शंस होंगे उस रिएक्शन्स में हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और ये कैटलिस्ट के माध्यम से रिएक्शंस फॉरवर्ड होंगे एंड फॉरवर्ड होने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास जो अनसेचुएटेड फैटी एसिड है और अनसेचुएटेड एसिड है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे दैट मीन्स इसको सिंपल तरीके से हम लोग बोलेंगे जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट करेंगे और ये इन्वॉल्वमेंट होने के बाद निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन

तो अभी मैंने बोला जब भी हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस चलाएंगे और देखेंगे तो उस जगह पे हम लोग क्या देख पाएंगे उस जगह पे हम लोग ये भी ऑब्जर्व करेंगे तो उस जगह पे नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे तो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हम हम लोग लोग पर पर देखेंगे पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं और ये जो डायग्राम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इस जगह पे डायग्राम जब एग्जाम हल में पूछा जाएंगे तो इस एग्जाम पे जब पूछेंगे तो ये डायग्राम के साथ हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है तो मैंने ये बोला जब भी हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करेंगे तो उस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में नंबर ऑफ इन्वॉल्व होते हैं तो पहला स्टेप होंगे रिमूवल ऑफ फैटी एसिड रिमूवल ऑफ फ्री एसिड सॉरी सो द ऑयल इज वर्म इन ए पैन एंड ट्रीटेड विद द कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड द सॉल्ट फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्राइजन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ कम एलोंग विद द सम ऑफ द सस्पेंडेड मैटर सो ये जो प्रोसेस है ये हमारा पहला प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने फ्री एसिड को रिमूव कर दिए और इस पॉइंट पे हम लोग कैसे रिमूव करेंगे इसे याद कैसे रखेंगे हम लोग याद रखेंगे हमें सबसे पहले ऑयल को कलेक्ट करना है ऑयल को कलेक्ट करने के बाद एक पैन में कलेक्ट करना है डेफिनेटली और उसको हम लोग ट्रेड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैलकुलेटेडेडेडेडेड क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्योंकि हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है और ऑयल जो है ऑयल के अंदर से हम लोग फ्री फैटी एसिड कंटेंट कर रहा है तो जब एसिड कंटेंट कर रहा है तो एसिड क्या करेंगे डेफिनेटली बेस के साथ रिएक्शंस करेंगे और जब वो बेस के साथ रिएक्शंस करेंगे तो वो क्या करेंगे वो बेस जो एसिड प्रेजेंट है एसिड के अंदर एसिड जो प्रेजेंट है फैट के अंदर उसे वो न्यूट्रलाइज करेंगे और इसीलिए बोला जा रहा है द ऑयल इज बर्न इन ए पैन एंड ट्रीटेड विद द कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द फैटी एसिड और सेकेंड पॉइंट हमें क्या देखना है सेकेंड एंड ट्रीटेड विद द एनिमल चारकोल एट थ्री सिक्सटी थ्री कैलविन टेम्परेचर द कलरिंग मैटर इज एब्सॉर्ब बाई दारकोल एंड ऑयल इज फिल्टर्ड दैट मीनस इस जगह पे हम लोग ये चीज बोलना चाह रहे हैं जो ब्लीचिंग एक ऐसे प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कलर को निकालते हैं ब्लीचिंग का मतलब ये वही होते हैं ब्लीच करने का मतलब ऐसे हो रहा है जो भी कलर जो इम्प्यूटिस के फॉर्म में है उस इंप्यूटिस के फॉर्म में जो कलर है उस कलर को हम लोग निकालेंगे तो कलर को कैसे निकाला जाएंगे जो फैट के अंदर प्रेजेंट है तो उससे निकालने के लिए हम लोग एनिमल चारकोल यूज करते हैं और हम लोग जानते हैं एनिमल चारकोल एक गुड एब्जॉर्बेंट के हिसाब से काम करते हैं और इसीलिए इस रिएक्शन में हम लोग जब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं तो उस जगह पे हम लोग एनिमल चारकोल यूज करेंगे और उस एनिमल चारकोल को हम लोग हीट करेंगे यहां पर थ्री सिक्सटी थ्री में जब इसे हीट किया जाएंगे तो उस जगह पे जो ऑयल के अंदर जो excess quantity of color present है वो color remove हो जाएंगे एब्जॉर्व हो जाएंगे After that ऑप्शन of the color we are going to be filter and filter the oil and it should be collected then uske baad kya karenge uske baad bleach hone ke baad hum log use jayenge deodorization that means the bleach oil now treated with the treated with the superheated steam for deodorization d e o d o r i s i n z तो उसके बाद क्या होंगे उसके बाद हम लोग हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस के तरफ चलेंगे और हाइड्रोजीनेशन प्रोसेस में क्या देखेंगे द द ऑयल इज इज टेकन आयरन टैंक जो ऐसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आयरन टैंक राइट एंड सस्पेंडेड बाय द हीटिंग जैकेट एट फोर टू थ्री टू द फोर सेवेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर समाइनली डिवाइडेड निकल इज सस्पेंडेड टू द ऑयल एंड हाइड्रोजन गैस इज पास अंडर द प्रेशर एंड द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस continue until the fat of the डिजेर कंसिस्टेंसी इज ऑपटेन तो इस जगह पे हम लोगों ने देखा जब भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस चलेंगे तो उस जगह पर हमें टेम्पराचर को मेंटेन करना है तो ये टेम्पराचर हमारा होंगे फोर ट्वेंटी थ्री से लेके फोर सेवेंटी थ्री टेम्पराचर कैलविन टेम्परेचर और इसी जगह पर हम लोग यहां पर निकल को कैटलिस्ट के हिसाब से अप्लाई करेंगे और उससे किस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को भी सप्लाई करना शुरू करेंगे जो हम लोग यहां पर डायग्राम में भी देख पा रहे हाइड्रोजन गैस को हम लोगों ने यहाँ पर सप्लाई करना शुरू कर दिए और जब हम लोग यहां पर हाइड्रोजन गैस को सप्लाई करेंगे और ये प्रोसेस को हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक फैट हमारा यहां पर ना हो जाए तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया जब भी हम लोग ऑयल को करना प्रोसेस को करना चाहेंगे तो इस जगह पे हमें कितनी प्रोसेस देखा हम लोगों ने यहां पर हम लोगों ने देखा जो हम लोगों ने फॉलो करना है पहला पॉइंट रिमूवल ऑफ फैटी एसिड सेकेंड पॉइंट ब्लीचिंग एंड थर्ड पॉइंट डिओडोराइजेशन सॉरी डिओडोराइजिंग एंड फोर्थ पॉइंट इज हाइड्रोजनेशन तो ये चार पॉइंट को हमें फॉलो अप करना है जब हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को यूज करेंगे फॉर ऑयल और फैट के लिए अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया इसे हम लोग अभी चार्ट के माध्यम से याद रख लेते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल कलेक्ट किया उसके बाद उस ऑयल को हम लोग लो क्रश किए क्रश करने के बाद हम लोग इसे रिफाइन किए रिफाइन करने के बाद हम लोग उसे हाइड्रजनेशंस किए और इस जगह पे जब हम लोग हाइड्रजिनेशन करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग इसे निकल कैटलिस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसके बाद हम लोग इसको फिल्टर करेंगे जब हम लोग इसको फिल्टर करेंगे तो उस जगह पर हम लोग लो निकल कैटलिस्ट को बाहर निकाल देंगे उसके बाद हम लोग इसे पोस्ट ब्लीचिंग करेंगे मतलब ब्लीच करने के बाद उसमें से हम लोग जो भी कलर उसके अंदर प्रेजेंट है वो कलर को हम लोग निकाल देंगे और उसके बाद जहाँ पर मैंने अभी बोला जब कलर को हम लोग निकालेंगे तो उस जगह पे कलर

सेमी सॉलिड एंड सेमी सॉलिड सब्सटेंस में इसे कन्वर्ट करते हैं बाई द कन्वर्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड तो ये हमारा हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के मेन एम है और बेसिक प्रिंसिपल है तो इस जगह पे हर एक स्टूडेंट्स को ये चीज याद रखना है तो एम क्या है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्यों किया जाते हैं सो हाइड्रोजीनेशन प्रोसेस के माध्यम से हम लोग ऑयल को जिनाइली क्या कर लेते हैं ऑयल को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड एंड सेमी सॉलिड में और जब हम लोग यहाँ पर कन्वर्शन करेंगे तो उस जगह पे हमारे ऑयल के अंदर जो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हम लोग यहां पर ब्रेक कर देंगे और उसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड के अंदर बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलीस्ट बीन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस तो ये क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे तो क्वेश्चन को पूछा जाएंगे जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या है और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को किस तरीके से किया जाते हैं तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है डेफिनेशन लिखना है उसके बाद जो मैंने बोला है यहां पर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के बारे में जो चार पॉइंट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के चार पॉइंट को इसे एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो ये डायग्राम है उसे करना है और जो अभी लास्ट पॉइंट में बोलने वाला हूँ वो लास्ट पॉइंट ऐसा है वाई आर द ऑयल ऑनली पार्मानेंटली एंड पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल का ऑनली पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड क्यों होते हैं सो द पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल कैन गिव ए वाइड रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द फिनिश्ड प्रो फिनिस्ड सॉरी फिनिश्ड फैस्ट प्रोडक्ट एंड फुल्ली हाइड्रजिनेटेड ऑयल वुड मेक द ऑयल हर एट द रूम टेम्परेचर एंड नॉट एज दर्सिटाइल फॉर द फूड प्रिपरेशन सो इस जगह पे हम लोगों ने देखा वाई द ऑयल ऑनली the पार्शियली hydrogenated तो इस जगह पे आज हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए दो पॉइंट को पहला पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेनेशन कियाफिकेशन क्या है एंड दूसरी पॉइंट हम लोगों ने आज डिस्कस किया और ऑब्जर्व किए जो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या है और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस किस तरीके से किया जाते हैं और लास्ट पॉइंट पर मैंने बोला उसके साथ ही साथ हाइड्रीजिनेशन प्रोसेस में वाई आर द ऑयल ऑनली पार्शियली हाइड्रोजनेटेड तो आज के टॉपिक में इतना ही था जो मैंने अभी डिस्कस की और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होंगे हमारा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे जो टॉपिक होंगे हमारा यहाँ पर पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन और उस पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं डिस्कस करूंगा उस जगह पे नेफ्थिलीन के ऊपर और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे नैफेन के बारे में डिस्क्रिप्टिवली एंड ब्रीफली और आफ्टर ऑल सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यवर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर मुझे लॉर्ड्स ऑफ सपोर्ट कर रहा है और उसके साथ ही साथ नंबर ऑफ कमेंट्स कर रहा है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछ रहा है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करवा रहा है और इसीलिए सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव एंड फॉर योर फॉर योर फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एंड ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर सपोर्ट मी एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉमेंट कॉमेंट मी टू माई चैनल थैंक यू थैंक यू ऑल